ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस यानी बार बार के विचार आना और बार बार कृति करना, यह एक मानसिक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को बार 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 एक ही विचार आता है और वो विचार उसको इतना सताता है कि कभी कभी फिर उसको वो विचार के ऊपर कुछ कृति करना ऐसा उसको लगता है, और कृति करने के बाद में उसको मन को शांति आती है। जैसा कि उसको बार बार विचार आता है कि अपने हाथ गंदे हैं, फिर वो बार बार हाथ धोएगा, या उसको लगता है कि अपन गंदे खुद गंदे हैं, तो वो बहुत नहाएगा, एक एक घंटा दो दो घंटा नहाएगा। कुछ लोगों को कमरा साफ सुथरा रखने का रहता है कि वो कमरा साफ सुथरा रखना चाहिए उन्होंने, या फिर उनको लगता है कि भाई अपनी जगह जगह पे जो है वो बहुत गंदगी फैली हुई है, तो वो घर पूरा साफ कर लेते हैं, है ना। ये लोगों को बार बार विचार जो आते हैं वो कभी कभी अपने रिश्तेदारों के बारे में आते हैं, और कभी कभी इतने गंदे विचार आते हैं, सेक्स के बारे में विचार आते हैं, अपने ही लोगों के बारे में गंदे विचार, सेक्स के विचार आते हैं, या भगवान के बारे में विचार आते हैं, तो विचारों से वो परेशान होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि तीन बार मैं आगे जाऊं तीन बार पीछे जाऊं। ये लोग बार बार जो ताला है वो चेक करेंगे, बार बार जो बोल्ट है वो बोल्ट किया है कि नहीं खिड़कियों को या दरवाजे को वो देखेंगे, चलने के समय वो टाइल्स की गिनती करेंगे, ऊपर की मंजिल में जाना है तो वो स्टेयरकेस जो है वो गिनती करेंगे, ऐसा उनको गिनती का शौक लगता है। तो ऐसी बीमारी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका इलाज जो है वो सेरोटोनिन नाम की जो दवाई है, वो दवाइयां हैं जिस ब्रेन में जो कम थे वो दे दिया सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन की दवाई लेकर उनका इलाज अच्छा हो सकता है। वैसे लुबिप्रामिन नाम की दवा है, वो लेने से इनका अच्छा इलाज होता है। और दूसरा इनका इलाज मानसोपचार, समूह उपचार, बिहेवियर थेरेपी, पैसा, ये सब अलग अलग उपचार के तरीके हैं जिससे कि व्यक्ति पूरा अच्छा हो सकता है। तो बीमारी के लिए मनोचिकित्सक का परामर्श करना चाहिए और उसका इलाज किया तो ये व्यक्ति जीवन अच्छा जी सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।